नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूपीएससी पाठशाला में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लाइव सेशन में। तो दोस्तों, इस नए लाइव सेशन में जो मैं आप लोग के साथ कवर अप करने जा रहा हूँ वो है आपका 24 मार्च 2023 के लिए दैनिक समसामयिकी, या इसे आप कह सकते हैं दैनिक आपका समसामयिकी या दैनिक संपादकीय विश्लेषण। और ये दैनिक संपादकीय विश्लेषण जो है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे खास करके यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी, और दूसरी चीजें अगर मैं बताऊं तो ये आपके वन डे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग की जो तैयारी है एकदम सही तरीके से आगे बढ़ रही होगी और एक ऐसी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे जिससे आपको सफलता जो है सुनिश्चित हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया भी कि ये हमारा 24 मार्च 2023 के लिए दैनिक समसामयिकी या संपादकीय चर्चा है। तो आप देख सकते हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर के हुए जो आपके संपादकीय जो पेज होता है उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स थे। उसमें से जो आपके आर्टिकल्स हैं ये है आपका द ओल्ड एंड द न्यू, नॉट इम्पोर्टेंट, नो नीड टू डिस्कस, राइटिंग और रॉन्ग, ओके ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज सर्वाइवल गाइड टू एक्ट ऑन, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नो स्लेंडर प्लीज, ओके दे आर फोर फ्रीडम फाइटर फर्स्ट, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सो डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एक आर्टिकल है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, इज इंडिया द ग्रिप ऑफ अ स्ट्रीट डॉग क्राइसिस, ओके आवारा जो कुत्तों का जो कहानी है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। टाइम मिला तो थोड़ा डिस्कस करूंगा, नहीं तो डिस्कस नहीं करूंगा ये आर्टिकल। आज एक आर्टिकल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो चलिए हम लोग अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग भी देखेंगे क्लाइमेट चेंज, ओके जो हम लोग कहते हैं सर्वाइवल गाइड टू एक्ट ऑन, ये जो हमारे सम्मान अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 और ये जो सम्मान अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 खास करके उससे संबंधित है। इसे लिखने वाले हैं आपके नवरोज, ओके के दुभाष, जो कि प्रोफेसर हैं आपके सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का। उसके बाद पार्थ भाटिया हैं, एक एसोसिएट फेलो हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का। ठीक है, इसे लिखने वाले ये 2 व्यक्ति हैं। और ये जो आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल का सबसे पहले संदर्भ क्या होगा, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है ना। संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि मैं आप लोग को बार बार कहता हूं कि आप लोग अगर कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, संदर्भ जो है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको संदर्भ के बारे में भी बता दूं। तो सबसे पहले हम लोग अगर डिस्कस करें तो हम लोग संदर्भ के बारे में समझ लेते हैं, फिर मैं आप लोग के साथ जो है आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अच्छा, इसमें संदर्भ के जो संदर्भ जो है वो है आपका AR6 हम लोग कहते हैं। तो इसी सप्ताह जो है जलवायु परिवर्तन पर जो आपका अंतर सरकारी पैनल, ओके इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हम लोग कह सकते हैं, तो जलवायु परिवर्तन पर IPCC ने अपनी 6th आकलन रिपोर्ट AR6 हम लोग कहते हैं उसको बताया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये आपका है क्या। तो सबसे पहले अगर हम लोग कहते हैं कि IPCC का ये असेसमेंट रिपोर्ट 6 जो है ये आपका आया है। ठीक है, हम लोग कहते हैं असेसमेंट रिपोर्ट 6 जो है IPCC का वो आया है और अपनी 6th आकलन रिपोर्ट किसने जारी किया, IPCC ने। ठीक है, और इसमें जो है 6 सबसे हालिया रिपोर्टों के निष्कर्ष को भी इसमें शामिल किया गया है और रिपोर्ट के लाभ ने जो वैधता को जोड़ा है, जो हम लोग कहते हैं वैलिडिटी, लीगैलिटी को जोड़ा है, क्योंकि नीति निर्माताओं के लिए इसके सारांश को दुनिया की सरकारों द्वारा पंक्ति दर पंक्त जो पंक्ति अनुमोदित किया गया है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे मानवता के लिए उत्तरजीवता मार्गदर्शक कहा है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासंगठन का भी कहना है कि ये जो IPCC का रिपोर्ट है वो आपका इम्पोर्टेंट है, क्या है वो आपका महत्वपूर्ण है, ये हमें पता होना चाहिए। क्या है दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए और इससे हम मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। यानी इस आर्टिकल के अगर मैं आपको मेन जो हम लोग कहते हैं आइडिया के बारे में बताऊं, इसके जो प्रमुख विचार के बारे में बताओ, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं
कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने हाल ही में अपनी छठी आकलन रिपोर्ट AR6 जिसे असेसमेंट रिपोर्ट 6 भी कहते हैं, चक्र की संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है, जो मानवता के लिए एक उत्तरजीविता मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। ये जो रिपोर्ट है वो जलवायु लचीले विकास मॉडल की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जो सभी के लिए अनुकूलन, शमन और सतत विकास को एकीकृत करता है। यानी सभी के लिए विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सभी के लिए पर्यावरण जो है महत्वपूर्ण है, तो सभी को क्या करना है, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने की भी जरूरत है, सभी को बचाने के लिए काम करने की भी जरूरत है, यह हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं आप लोग को जो इसमें IPCC रिपोर्ट जो 6 आया है उसके आंकलन के बारे में भी बताऊं तो थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोग को बता देता हूं कि असेसमेंट रिपोर्ट 6 जो है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो असेसमेंट रिपोर्ट 6 हम लोग कहते हैं उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट रिपोर्ट 6 जो उसमें क्या बताया है कि मानव गतिविधि वैश्विक तापमान वृद्धि को चला रही है, मानव की गतिविधि की वजह से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वैश्विक वृद्धि हो रहा है, किसके वजह से, मानव गतिविधि के वजह से। तो वर्तमान में पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर, ठीक है, हम लोग कहते हैं तापमान चल रहा है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं 2100 ईस्वी तक यह आपका कितना हो जाएगा, 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाएगा। किससे, आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग कहते हैं औद्योगिक स्तरों से, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि उत्सर्जन वृद्धि की दर जो है पिछले एक दशक में धीमी हो गई है, और मानवता का अनुमान है कि आपका 2100 ईस्वी तक जो आपका 2.8 डिग्री सेल्सियस जो है, या हो सकता है कि 3.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वृद्धि हो जाए, तापमान आपका वृद्धि हो जाए। हमें नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत यह है कि ये IPCC का कहना है, क्योंकि समझिएगा कि ये जो IPCC है, ठीक है, उसका कहना क्या है, उसका कहना है कि अपने पूरे विश्व में हो क्या रहा है, कि पूरे विश्व में समझिएगा कि हम लोग कहते हैं कि आपका जो प्रदूषण या वैश्विक तापमान में आपकी वृद्धि हो रही है, प्रदूषण या वैश्विक तापमान में क्या हो रही है, कि वृद्धि हो रही है, ये हमें समझने की कोशिश करना है। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये इसे हम लोग कहते हैं अंतर सरकारी पैनल, ओके, ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल, प्लीज ये भी आपको भी ध्यान में रखना होगा, मे बी क्या मालूम आपसे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, हिंदी में जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल, ठीक है। ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट में फटाफट इसके बता देता हूँ जो आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ये जो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, जो आपके तापमान में वृद्धि होगी, तो उससे हमारा जो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन में पूरा बदलाव आएगा, क्या होगा, जलवायु परिवर्तन में बदलाव आएगा, ठीक है। उसके साथ ही इससे जो है हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पूरी की पूरी जो जलवायु के साथ मानव हो या पशु हो या पर्यावरण हो, सभी के ऊपर नकारात्मक असर पड़ेगा। और जो आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जिसे IPCC भी कहते हैं, उसका रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि 2019 तक जो मानवता ने या मानव ने जो हम लोग कहते हैं अपने कार्बन बजट का 80% तक, ठीक है, हम कहते हैं कि उत्सर्जन कर दिया, और इसके वजह से 1.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो बढ़ा, जिसमें आपके विकसित देशों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है, विकसित देशों का कंट्रीब्यूशन जो हम लोग कहते हैं वो आपका ज्यादा रहा है। फिर इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग ये भी देखते हैं इसी रिपोर्ट में, आपका बताया भी क्या है रिपोर्ट में, यह भी कहा गया है कि मौजूदा जो मॉडलिंग अध्ययन जो है, जो कि अक्सर उत्सर्जन जो प्रक्षेप वक्र का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसमें आप देखेंगे तो ये दिखाई नहीं दे पाता है, या ये हमें समझ में नहीं आता है कि विकसित देशों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अर्थात आप लोग बहुत ही सिंपली अगर इजिली कह सकते हैं, जो आपको भी समझ में आएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीजें होती है ना वो अपने आप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मैं क्यों कह रहा हूं इंपोर्टेंट है आपको मैं फिर से बताता हूं कि आईपीसीसी का भी कहना है, आईपीसीसी का कहना क्या है कि जो हम लोग कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का, कि अभी आपका जो औद्योगिक क्रांति जो हुआ था उसके बाद से लेकर के अभी पूरे विश्व में हुआ क्या है कि तापमान में आपकी वृद्धि हुई है, ठीक है, तापमान में वृद्धि हुई है और इसमें विकसित देशों का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका बहुत ज्यादा है, क्या है, इसमें विकसित देशों का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका बहुत ज्यादा है, ये भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है, ये क्या करना है हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसी के बारे में, तो आप देखेंगे कि जो मेजर इम्प्लीकेशन है, ठीक है, वो क्या है कि मेजर इम्प्लीकेशन के बारे में भी अगर हम लोग बात करें और समझे तो उसमें क्या दिया गया है। मेजर इम्प्लीकेशन जो है वो कहता है कि हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक अपने तापमान को कम करना होगा, क्योंकि वर्ल्ड में आपका औद्योगिक क्रांति के बाद जो हमारा तापमान में वृद्धि तो हुआ है और हमें जरूरत है 1.5 डिग्री सेल्सियस को अगर मैनेज करने के लिए क्या करना होगा, हमें 2 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है उसको कम करने की जरूरत होगी, उसे कम करने की जरूरत होगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो जो आईपीसीसी का अपने 6ठे जो मूल्यांकन चक्र में अपने 3 कार्य समूहों और 1 संश्लेषण रिपोर्ट, 3 विशेष रिपोर्ट और अपनी सबसे हालिया कार्य प्रणाली रिपोर्ट भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, में संशोधन के योगदान के साथ 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार किया और आईपीसीसी वर्तमान में अपनी 6ठी आकलन रिपोर्ट को अंतिम रूप भी दिया, ठीक है, ये भी हमें ध्यान में रखिएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं संबंध की जो कोशिश करते हैं आईपीसीसी के बारे में, थोड़ा सा आपको भी ध्यान में रखना होगा कि जो आईपीसीसी रिपोर्ट का जो 6ठी रिपोर्ट है पिछले साल से ही आपका तैयार हो रहा था, उसमें आपके काम हो रही थी, तो हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये समझने की जरूरत है कि हमें करना क्या है, हमें करना है या पूरे विश्व को करना है, चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो, उनको जरूरत है, जरूरत यह है कि कैसे आपके तापमान को कम किया जाए, कैसे जो हमारा तापमान वृद्धि हुआ है उसको कम किया जाए, कैसे हमारा जो तापमान वृद्धि हुआ है और उसका क्या नकारात्मक असर हो सकता है उसको कम कैसे हम उसे कम कर सकते हैं, इसकी हमें जरूरत है, ठीक है। अच्छा, इसी रिपोर्ट की अगर आप बात करिएगा या हम लोग जो कहते हैं आईपीसीसी रिपोर्ट का जो 6 है, तो जलवायु अनुकूलन की अपनी सीमाएं भी है, ठीक है, कि क्लाइमेट एडेप्टेशन इटसेल्फ हैज लिमिट्स, तो हम जलवायु अनुकूलन की बात करते हैं उसकी सीमाएं हैं और रिपोर्ट में भी इस बात पर बताया गया है, प्रकाश डाला गया है कि अनुकूलन की अपनी सीमाएं हैं, जिसका अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन के कुछ नुकसान और जो हम लोग कहते हैं कि जरूरी हो जाता है, जरूरी मतलब उसका होता ही है, उदाहरण के लिए रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ तटीय और ध्रुवीय पारिस्थितिकी तंत्र पहले से ही बदलती जलवायु के अनुकूल होने की अपनी क्षमता में, जो या ऐसे भी कह सकते हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आपका तट हो, ठीक है, या जो आपके बर्फीली इलाके हो वहां पे क्या हो चुका है, बहुत सारा नुकसान जो है हो चुका है, ठीक है, यह हमें ध्यान में रखिएगा। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष के जो भी हम लोग ने बात किया, हम लोग उसके समझते हैं, तो रिपोर्ट के जो प्रमुख निष्कर्ष में हम लोग कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की बात कही गई थी, जैसे कि वर्ष 2019 में जो वैश्विक शुद्ध मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 59 गीगाटन, नंबर भी याद रखना है, ठीक है, 59 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उत्पादन हुआ, जो कि 1990 से अगर हम तुलना करें तो यह 54% अधिक था। और शुद्ध उत्सर्जन से तात्पर्य दुनिया के जंगलों और महासागरों द्वारा अवशोषित किए गए उत्सर्जन में कटौती के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को जो उत्सर्जन होता है उसकी वो होता है शुद्ध उत्सर्जन। तो मानव जनित उत्सर्जन से तात्पर्य ऐसे उत्सर्जन से है जो ऊर्जा के लिए कोयलों को जलाने या जंगलों को काटने जैसे मानव गतिविधियों के कारण होता है। यह उत्सर्जन दोस्तों वृद्धि मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने और कार्बन क्षेत्र के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साथ साथ मिथेन उत्सर्जन से भी प्रेरित है। लेकिन बस 2010-19 की अवधि में विकास की औसत दर जो वार्षिक दर 1.3% प्रतिवर्ष हो गई, जबकि वर्ष 2009 की अवधि में यह
2.1% थी। फिर मैं बताता हूं, नंबर नहीं याद करिएगा, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि तापमान में वृद्धि हुआ है, और तापमान में वृद्धि हुआ है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। बाकी मैं एज अ फैकल्टी आपको ये सारे डिटेल बता रहा हूं, लेकिन एक आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्योर कार्बन जो उत्सर्जन यानी कि शुद्ध उत्सर्जन क्या होता है। तो शुद्ध उत्सर्जन होता है कि जंगल और जो समुद्रों के द्वारा जो पहले कार्बन को सोख लिया जाता है, उसके बाद जो पर्यावरण में आता है उसी को कहते हैं शुद्ध उत्सर्जन। ठीक है, तो ये सब हमारे लिए इंपोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करते दोस्तों कि कम से कम 18 देशों ने अपनी ऊर्जा प्रणाली के डीकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा दक्षता उपायों और कम ऊर्जा मांग के कारण लगातार 10 वर्षों से अधिक समय तक अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम किया है। अर्थात कि वर्ष 2010 से, ठीक है, अर्थात जो वर्ष 2010 से 19 के अवधि में जो आपका औसत विकास जो वार्षिक दर था वो कितना हो गया, 1.3%। किसका? कार्बन उत्सर्जन का। जबकि 2000 से 9 की अवधि में यही कार्बन उत्सर्जन 2.1% से 1% प्रतिवर्ष होता था। तो सबसे कम विकसित देशों द्वारा जो उत्सर्जन, तो वर्ष 2019 में वैश्विक उत्सर्जन का केवल 3.3% उत्सर्जन करने वाले सबसे कम विकसित देशों के साथ कार्बन असमानता हमेशा की तरह व्याप्त है। यानी कि विकसित देशों से कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है, वहीं विकासशील देशों से और कम विकसित देशों से आप कह सकते हो कि कार्बन उत्सर्जन कम होता है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। वर्ष 1990 से 2019 की अवधि में जो कार्बन उत्सर्जन अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो विकासशील देशों में 1.7 टन था प्रति व्यक्ति, वहीं वैश्विक औसत ये 6.9 टन था। ठीक है, ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी इसी आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है, कि जो आपके इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण जो संदेश है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण संदेशों के बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्ट का मुख्य संदेश जो है वो आपका है क्या, यानी रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिपोर्ट का जो मुख्य संदेश जलवायु लचीला विकास है, क्या है, क्लाइमेट रिसिलिएंट डेवलपमेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं जलवायु लचीला विकास। तो जलवायु लचीले विकास को तत्काल अपनाना एक विकासात्मक मॉडल है, ठीक है, ये भी हम लोग कह सकते हैं, जो सभी के लिए सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूलन और समन को दोनों को एकीकृत करता है, समझ जाइएगा। ओके, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, कैसे काउंट होता है, अच्छा चलिए मैं बता दूंगा, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस जो है कर लेंगे, कार्बन फुट प्रिंट के बारे में, ठीक है, और उसे भी हम लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पहले इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस आर्टिकल को, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कार्बन फुट प्रिंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जिसे हम कार्बन उत्सर्जन या कार्बन फुट प्रिंट भी हम लोग कहते हैं। चलिए, आपने पूछ लिया तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है, कि अगर आप बात करते हैं कि कार्बन फुट प्रिंट या कार्बन उत्सर्जन, हम लोग कहें कि कार्बन उत्सर्जन या फुट प्रिंट से यह अर्थ है कि किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा की गई कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा। यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के रूप में होती है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति हम लोग कह सकते हैं कि औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। यानी अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहे तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा या एक संस्था के द्वारा कितना कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है, कितना कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। और कार्बन जो फुटप्रिंट को कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम उत्सर्जन में मापा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, कृष्णा कुमार डोंट डू दैट, क्लीन कर लो नहीं तो मैं हटा दूंगा, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये सब स्क्रीन पर लिखने की कोशिश नहीं करिएगा। ठीक, हाँ, अब कार्बन फुटप्रिंट को कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम उत्सर्जन में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट को ज्ञात करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए लाइफ साइकिल असेसमेंट विधि का प्रयोग किया जाता है, जो हमें नहीं जानना है। वैसे आपको ये याद रखना है
कि कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट करने के लिए लाइफ साइकिल असेसमेंट का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि में दोस्तों व्यक्ति तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को जोड़ा जाता है। फिर एक टर्म आता है कार्बन मूल्य निर्धारण या कार्बन क्रेडिट कहते हैं। तो कार्बन मूल्य निर्धारण या कार्बन क्रेडिट का निर्धारण किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले अधिकतम कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। और किसी देश द्वारा निर्धारित कार्बन उत्सर्जन की अधिकतम मात्रा में कटौती करने पर उसे कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। और कार्बन क्रेडिट का निर्धारण अर्थात दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने तथा उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए किफायती साधनों को विकसित करने के लिए वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा जो है किया गया था। कार्बन क्रेडिट का निर्धारण जो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो हुआ था उसके तहत किया गया था। ठीक है, इसमें तीन चीजें आती है, अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, संयुक्त क्रियान्वयन, ये सब आपका आता है। तो उसमें अभी मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोग को फटाफट इन चीजों के बारे में बता दूं जो आर्टिकल में था और उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आप लोग को बता रहा था यहाँ पर कि आपका जलवायु लचीला विकास को तत्काल अपनाना एक विकासात्मक मॉडल है जो सभी के लिए सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूलन और समन दोनों को एकीकृत करता है। फिर दूसरा जो आपका इंपोर्टेंट मैसेज है इसमें हरित परिवर्तन को लेकर के, किसको लेकर के, हरित परिवर्तन, ग्रीन ट्रांजिशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो इस रिपोर्ट में सौर ऊर्जा या इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे प्रौद्योगिकियों और डिजाइन विकल्पों की अधिकता का आकलन करती है। इस रिपोर्ट का कहना है कि हमें जरूरत है सौर ऊर्जा का या हरित ऊर्जा का, और हरित ऊर्जा के ऊपर हम लोगों ने कईयों बार डिस्कशन कर लिया है, हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। कईयों बार हमने डिस्कशन किया है, यानी इसे हम रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में भी जान सकते हैं, इसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में भी जान सकते हैं, प्लीज ध्यान में इसे रखिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया इक्विटी और सामाजिक न्याय का, इक्विटी और सामाजिक न्याय भी हम लोग कह सकते हैं, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, हमें जरूरत क्या है प्रायोरिटाइज करने का, उसको एड्रेस करने का, किसको एड्रेस करने का, क्लाइमेट से संबंधित विकास को लेकर के, कैसे जो आपके हम लोग कहते हैं कि क्लाइमेट जो है यानी पर्यावरण को बचाया जा सके। हाँ, और अगला जो इसमें मैसेज दिया गया इस रिपोर्ट में नेट जीरो एमिशन का, यानी हमारा कार्बन उत्सर्जन 0% के लेवल पे आ जाए, उसके लिए भी हमें कोशिश करने की जरूरत है, उसके लिए भी हमें क्या करने की जरूरत है, जो कहते हैं ना कि 0% पर जो आपके उत्सर्जन को लाने की जरूरत है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, क्लाइमेट रिस्क जो आप कहते हैं कि प्रतिक्रिया, जो जलवायु प्रतिक्रिया में प्रगति और अंतराल, जो कार्बन बाजार जैसे नीतिगत उपकरणों की प्रभावशीलता के साथ कुछ नीतियों और कानून में प्रगति हुई है दोस्तों पूरे विश्व में, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। आप बोलेंगे सर कैसे काम करने की जरूरत है, तो जरूरत है पॉलिसी पैकेज का। अच्छा, जलवायु लचीला विकास क्या है, जो क्लाइमेट रिसिलियंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग इसे कहते हैं, इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लाइमेट रिसिलियंट, प्लीज ध्यान में आप लोग भी रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेट रिसिलियंट प्रोग्राम। ठीक है, और जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए, तो इसके बारे में भी हम लोग अभी बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट रिसिलियंट प्रोग्राम जो है वो किन चीजों के बारे में बात करता है, ये बात करता है कि कैसे, प्लीज ध्यान में रखिएगा, कि हम जलवायु के नुकसान को कम कर सके, कैसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जलवायु के जो उत्सर्जन, जलवायु में जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है उसको हम लोग कम कर सके, क्या कर सके, उसको हम लोग कम कर सके। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि क्लाइमेट रिसिलियंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में भी इसे हम लोग जान सकते हैं, या इसे हम लोग कहते हैं जो क्लाइमेट रिसिलियंट डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि आपका, कि जो आपके जलवायु का जो खतरा है उसको कम करना, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना, जैव विविधता की रक्षा करना, ये सब इसके अंतर्गत जो है आपका आता है, प्लीज इन चीजों को
ध्यान में रखने की जरूरत है और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप इसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हो सकता है आपको इन सारी चीजें से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सके, तो प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखिएगा जरूर। ठीक है, इन चीजों को आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। तो ये क्लाइमेट रिसिलिएंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ से, जो समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक की जो अगर प्रगति की बात किया, तो मैंने बताया कि विश्व हो या भारत हो, कई सारे प्रोग्राम या इनिशिएटिव स्टार्ट जरूर किया है, लेकिन अभी भी जरूरत है कि बेहतर क्रियान्वयन का, अभी भी जरूरत है लोगों को जो कहते हैं जागरूक करने का, अभी भी जरूरत है कि अब हमें जो आपका रिन्यूअल एनर्जी को और मूव होने का, अभी भी जरूरत है कि हमें क्लाइमेट को ध्यान में रख करके खेती करने का अब जरूरत है। ठीक है, हमें जरूरत है कि अच्छे से अच्छे जो तकनीक है उसको लागू करने का, उसका उपयोग करने का। हमें जरूरत है ग्रीन ट्रांजिशन का, जिसे हम लोग रिन्यूअल एनर्जी भी कह सकते हैं, इसे आप लोग भी ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी समझने की कोशिश करिए। हमें जरूरत है सतत विकास को पाने का, हमें जरूरत क्या है सतत विकास को पाने का भी ध्यान में रखिएगा। तो आपको एक चीज और बता दूं, जैसे इसी में बताया गया है क्लाइमेट जो रिसिलियंस को लेकर के, तो आप लोग के भी माइंड में शायद क्वेश्चन आया हो, तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ क्लाइमेट रिसिलियंस के बारे में और थोड़ा सा डिटेल। ठीक है, जिससे कि आपको और बेहतर से समझ में आ सके और अगर मेंस में पूछे तो आप लिख सके। तो ध्यान में रखिएगा, जलवायु परिवर्तन का जो हम लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य कि धीमी और तीव्र दोनों तरह की आपदाओं से है, जैसे बाढ़ का बढ़ना, सुनामी, भारी वर्षा, ये सब आपदाएं भी हैं, लेकिन धीमी आपदाएं भी हैं जिनमें महासागरों का सालाना बढ़ता तापमान या सालाना बढ़ना और तापमान बढ़ना, उसमें उतार चढ़ाव, जब गर्मी, जब बारिश की जरूरत नहीं हो तो बारिश होना, ये सभी हम लोग कह सकते हैं। तो क्लाइमेट रिसिलिएंट जो होता है दोस्तों, जलवायु लचीलापन जिसे हम लोग कहते हैं, वह खतरनाक घटनाओं, परिवर्तन जो हम लोग कहते हैं प्रवृत्तियों या जलवायु से संबंधित गड़बड़ी की भविष्यवाणी करने, लोगों को तैयार करने और लोगों के लिए हम लोग कहते हैं प्रतिक्रिया देने से संबंधित है। जलवायु लचीलापन में सुधार में यह आकलन करना शामिल है कि जलवायु परिवर्तन कैसे और आपका जो हम लोग कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणाम को हम कैसे कम कर सकते हैं, हमें क्या करने की जरूरत है, ये सब भी इसमें शामिल हम लोग कर सकते हैं क्लाइमेट रिसिलिएंट प्रोग्राम में। इसे कहते हैं जलवायु लचीला जो योजना, लचीलापन योजना भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अब आते हैं वे फॉरवर्ड पे। तो हमें जरूरत है सही नीति का, हमें जरूरत है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग का, हमें जरूरत है निवेश का, हमें जरूरत है लोगों को जागरूक करने का, हमें जरूरत है सरकार की नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वयन करने का। अगर ये सारी चीजें अच्छे से हो जाए तो भारत हो या विश्व हो, उसमें क्या हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों को हम लोग झेल सकते हैं, पूरा तो समाप्त नहीं कर सकते हैं लेकिन झेल जरूर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, झेल जरूर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्या है, इसे हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो क्लाइमेट रिसिलिएंट प्रोग्राम के बारे में बात किया, ग्रीन क्लाइमेट के बारे में बात किया। आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, और ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो जो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो होता है दोस्तों, वो दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय कोष है जो विकासशील देशों को अपने ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन करने में कटौती करने में मदद करता है और साथ ही साथ उन्हें क्लाइमेट चेंज के अनुकूल बनाने में मदद करता है। और जो हम लोग कहते हैं इसे 2010 में आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC ने या CCC द्वारा वित्त पोषित के रूप में शुरू किया गया था और इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया के सोगोंडो जिले में है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ग्रीन क्लाइमेट फंड वो क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है UNFCCC के द्वारा शुरू किया गया, जो बात करता है कि कैसे पूरे विश्व भर में ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जाए और खास करके ये विकासशील देशों से संबंधित है, खासकर यह विकासशील देशों से संबंधित है। तो आई होप सो कि आप लोग को ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा और आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड और मैं आप लोगों के डाउट जो है जरूर लूंगा। ठीक है,
फटाफट आप लोग अपने डाउट पूछेगा जल्दी से, और जो लोग को डाउट नहीं है कमेंट करके जाइएगा कि आंसर आज क्लास, उससे पहले नहीं जाएगा। ये लास्ट था ये डिस्कशन, क्योंकि मैंने ये एक ही आर्टिकल आज चुना जो इम्पोर्टेंट था और मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया है। तो शायद किसी को कोई डाउट नहीं है, तो आप लोग में से किसी का हैंड रेज हुआ नहीं है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर बोलता हूँ, अगर डाउट है टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ लीजिए, और नहीं तो कमेंट करके बता दीजिए कि क्या सर आज क्लास, ठीक है। पूरे डिटेल में इस आर्टिकल को पूरे जी जान से कोशिश किया हूँ समझाने का, हिंदी में बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, मटेरियल नहीं मिलता, पढ़कर मैं पागल हो जाता हूँ। कई सारे सोर्स को ढूंढना पड़ता है, सरकार की वेबसाइट को ढूंढना पड़ता है, रिपोर्ट को निकालना पड़ता है, 2 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं इस पूरे क्लास के नोट्स को मुझे अपने नोट्स बनाने के लिए, टीचिंग नोट्स जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है।